दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक बीमारी होती टेनिस एल्बो। ये क्या होता है, क्यों होता है और कैसे इसको ठीक किया जाना चाहिए। तो टेनिस एल्बो जो बीमारी होती है डायबिटीज के मरीजों में, थायराइड के मरीज में या मोटापे के मरीजों में, ये बहुत कॉमन समस्या है। इसमें क्या होता है कि मरीज के हाथ में, आप देखिए इस साइड में यहाँ पेन होता है जो कि इधर हाथ तरफ फैल सकता है या ऊपर कंधे तरफ फैल सकता है। ये तब होता है जब कोई मरीज हाथ का यूज करता है इसका। इस बीमारी में होता क्या है कि अगर आप फोटो दिखाऊं मैं आपको, तो इस बीमारी में ये देखिए ये हाथ होता है। तो ये हमारे हाथ के अंदर ये मसल होती है जो ये साइड वाली ये मसल होती है, यहाँ स्टार्ट होकर के ये यहाँ स्टार्ट होकर इस हड्डी में जुड़ती है। ये यहाँ से स्टार्ट होकर के देखिए ये यहाँ स्टार्ट होकर इसमें यहाँ जुड़ती है। तो कभी कभी इस मसल में खिंचाव आ जाता है, ये मसल के कुछ फाइबर जो हैं टूट जाते हैं। क्यों टूटते हैं? कभी कोई हैवी बाल्टी उठा ली, कभी कोई कपड़ा मैस्ती से बहुत तेज से स्क्रूज कर दिया, कभी स्क्रू टाइट कर तो स्क्रू कर दिया, कभी कोई क्रिकेट खेलते हुए खूब तेज से मारा तो ये खिंच गया, कभी आपको टेबल टेनिस खेलते हुए ऐसे जोर से मारा खिंच गया। कभी भी मसल खिंच जाएगी, उसके फाइबर टूट जाएंगे, उसके जो लिगामेंट देख रहे हैं इसमें, उसके जो लिगामेंट हैं ये जब फाइबर लिगामेंट टूट जाते हैं, जब टूट जाते हैं तो यहाँ स्वेलिंग होती है और यहाँ स्वेलिंग पूरी तरह फैल जाती है, ऊपर फैल जाती है। ये जानने के लिए कि आपको टेनिस एल्बो है कि नहीं है, उसका सिंपल टेस्ट है अपने हाथ में, इस हाथ के अंदर अपने आप देखेंगे एक ये हड्डी है, देख रहे ये हड्डी, इस हड्डी में यहाँ पहले पकड़िए, उसके ठीक नीचे यहाँ देखेंगे तो आप दबाने पर दर्द होगा, इस पूरे एरिया में दबाने पर दर्द होगा। इसको इसको कंपेयर करने के लिए आप इस साइड कंपेयर कर लिए, इस साइड दर्द हो रहा नहीं हो रहा है, और इस साइड तुलना में इधर ज़्यादा दर्द है, तो आपको ये मसल जो है, जो मसल यहाँ स्टार्ट होकर यहाँ जा रही है, ये सूज गई है, ठीक है। इसे बोलते टेनिस एल्बो। इसे नाम टेनिस एल्बो क्यों रखा गया? क्योंकि अक्सर ये जो टेनिस खेलते थे लोग, जो ऐसे मारने वाला, उसमें ये मूवमेंट होता, उसको टेनिस एल्बो कहते थे। अब कुछ दिन पहले उसको बहुत सचिन तेंदुलकर हो गया था खेलते हुए, तो बाद में ठीक हुआ। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ दर्द होगा, दबाने दर्द होगा, जब भी कोई ऐसे काम करो जिसमें जिस किस मूवमेंट में इस मसल काम होता है, इस ये मूवमेंट करना, तो जब भी कोई ताला खोला ये मूवमेंट दर्द होगा, ऐसे करो दर्द कम होगा, जब ऐसे करोगे बाहर, जब इस हाथ बाहर जाओगे तो दर्द होगा। या कोई आप जो खाते आप आटा गूंथोगे उसमें दर्द होगा, आप बेलन से रोटी भी लो तब ज़्यादा दर्द होगा, कपड़ा में से उसमें दर्द होगा, आपको कार ड्राइव कर रहे हो कार ड्राइव में जब ऐसे मूवमेंट आएगा उसमें दर्द होगा, जो मूवमेंट जो ये मूवमेंट होगा उसमें दर्द होगा। जब अगर सूजन बहुत ज़्यादा होगी, रेस्ट नहीं मिलेगा, तो इवन रखे दर्द हो सकता है, रखे मतलब बिना काम के दर्द हो सकता है, वो सीवियर वेराइटी भी आती है। कितने बार ऐसा भी होता है कि कभी मरीज जा रहा साइड में चोट लग गया तो वहाँ सूजन आ गई, उसे भी टेंशन हो जाता है, कोई कारण है। अभी ठीक कैसे होगा? तो ठीक करने के लिए सबसे पहला तो कुछ सूजन कम की दवा आती है, उसको हफ्ते दो हफ्ते दस दिन बीस दिन दिया जाता है, फिर एक बोरान जेल का मालिश करना होता है, और शुरू में तीन चार दिन रेस्ट करने के बाद फिर उसको एक्सरसाइज कराना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जब जो मसल सूज जाती है और बहुत रेस्ट करोगे तो जो जो भी रेस्ट होता है मसल करती है वो टाइट हो जाती है और सिकुड़ जाती है, तो अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो ये सिकुड़ के छोटी जाएगी और फिर पेन लंबा क्रॉनिक हो जाएगा। तो इसको परमानेंट ठीक करने के लिए शुरू में एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा देते हैं, उसके बाद कुछ फिजियोथेरेपी देते हैं, उसको अल्ट्रासाउंड मसाज देते हैं, और थर्ड फिर कुछ एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज क्या होता है, पहला स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। स्ट्रेचिंग क्या, देखो स्ट्रेचिंग के लिए क्या है, ऐसे हाथ करके ऐसे सीधे कर लिया आपने, फिर हाथ को ऐसे खींचो, ऐसे खींच के 10 सेकंड खींचे रखो इसको, जिससे क्या ये मसल आपकी स्ट्रेच होगी, फिर ऐसे थोड़ा इससे भी थोड़ा स्ट्रेच होगी, तो ये स्ट्रेचिंग होगी। ऐसे करके स्ट्रेच किया आपने, सबसे बढ़िया तो पहले गर्म पानी में भगवान में पानी नमक डाल के सिकाई कर लो 10 मिनट, फिर उसको स्ट्रेच करो। ऐसे स्ट्रेच किया,
उसके बाद ये स्ट्रेचिंग, दूसरा फिर इसको स्ट्रेंथनिंग, इसको मजबूत करना है। उसके लिए क्या करोगे, जैसे कोई फ्रिज की बोतल या पानी, पानी लिया आपने, ये लेके और इसे यहाँ सहारा कर दिया आपने, सहारा लेके और फिर इसको उठाओ ऐसे, तो ये इसको ये मूवमेंट के लिए ये मसल इसको उठाती है, तो ये मसल जब करेगी तो ये स्ट्रांग होगा, तो ये स्ट्रेंथनिंग होगी इसकी मजबूती के लिए। और ये करना, ये स्ट्रेच, ये स्ट्रेच हो रहा है और ये स्ट्रेंथनिंग। तो दिन में तीन बार दस दस बार का एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद थोड़ा वोरान जेल या वॉलनी जेल मालिश कर लो दिन में तीन बार। तो तीन बार सिकाई, फिर खिंचाई, फिर मजबूती, ये करोगे। प्लस इनिशियल जब ज़्यादा दर्द हो उसमें कुछ रेस्ट करना पड़ेगा, उसमें ये कुछ काम जो है ताला खोलना, कपड़ा मैचना, आटा गूंथना, रोटी बेलना, कुछ दिन अवॉइड करना पड़ेगा कि जो मसल सूज जाता है उसको रेस्ट चाहिए होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, रेस्ट, फिजियोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड मसाज, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करोगे तो जाके तीन चार महीने में ठीक होगा। और रेस्ट नहीं दोगे तो बहुत दिक्कत दे सकती है। तो आई होप ये आपने समझ गया कि ये टेनिस एल्बो होता क्या है और कैसे ठीक किया जाए। ये अक्सर डायबिटीज, थायराइड या मोटापे लोग बहुत कॉमन होता है और एट एनी टाइम बहुत वो सफरिंग होती है। इसमें जब बहुत एक्यूट सिचुएशन होती है तो एक टेनिस एल्बो रेस्ट बैंड भी आता है, देखो एक रेस्ट बैंड आता है ऐसे करके, ये आपने देखो बहुत बांध देखती, ये बैंड आता है, जब यहाँ बांध देते हो तो फिर उस समय इसका मूवमेंट कम हो जाता है, एक्यूट सिचुएशन में किया जाता है ये। तो बट जान लो ये दर्द ठीक जरूर होगा लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा आपको। तो आई होप इसे अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और कि टेनिस बॉल क्यों होता है, दर्द क्यों होता है। और